माजी शिक्षण मंत्री वो दो दफा कांग्रेस से आमदार रहे डीपी सावन ने फिर एक मर्तबा कांग्रेस पार्टी से विधानसभा की उम्मीदवारी दिए जाने की मांग की। डीपी सावन ने उत्तर विधानसभा मतदार संघ से उम्मीदवारी दिए जाने को लेकर आज नांदेड़ जिला कांग्रेस पार्टी कार्यालय में फॉर्म भरा। पिछले कुछ समय से सक्रिय राजकारण से दूरी बनाए हुए माजी शिक्षण मंत्री डीपी सावंत ने आज अचानक कांग्रेस पार्टी से विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी दिए जाने की मांग की। डीपी सावंत ने नांदेड़ जिला कांग्रेस पार्टी कार्यालय में शहर अध्यक्ष अब्दुल सत्तार के हाथों उत्तर विधानसभा से उम्मीदवारी दिए जाने का फॉर्म दाखिल किया। कांग्रेस से दूरी बनाए जाने को लेकर जब इनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत खराब थी और इन्हें मुकम्मल रेस्ट करने की सलाह दी गई थी, इसीलिए वो लोकसभा चुनाव में भी पार्टी का प्रचार नहीं कर सके। डीपी सावन ने कहा कि उन्होंने उम्मीदवारी ज़रूर मांगी है, लेकिन अगर पार्टी किसी और के नाम पर भी मोहर लगाती है तब भी वो पार्टी के दिए गए उम्मीदवार के साथ खड़े रहेंगे। डीपी सावन के साथ इस मौके पर दीगर कांग्रेसी पदाधिकारी के अलावा माजी प्रतिनिधि महापौर एडवोकेट नीलेश पावड़े, अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष रहीम अहमद खान, शहर अध्यक्ष अजीज कुरैशी, प्रफुल्ल सावंत, माजी नगर सेवक मुन्ना अब्बास हुसैन, महेश देशमुख, डॉक्टर रेखा चौहान, बालाजी गाड़े पाटिल व दीगर उपस्थित रहे। जी सर, हिंदी में बताइए। कॉन्स्टिट्यूंसी तो मेरी पुरानी ही है, नांदेड़ नॉर्थ 86 जिसका नंबर है। मैं हमेशा कहता था कि 86 है, आपका साथ मिले तो 786 हो जाएगा। वही 86 नंबर है और उसी से मैं टिकट मांग रहा हूँ। जहाँ मैंने 15 साल काम किया है जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसी में मांगूंगा ना मैं। लोकसभा में आप सक्रिय नहीं थे तो ऐसे आरोप लगाए गए कि अशोक चौहान साहब के प्रेम में आप जो है सक्रिय नहीं हो सके। नहीं, क्या कर गया? सभी को पता है कि मुझे इंजरी हुई थी, एक्सीडेंट हुआ था और मुझे 3 महीने रेस्ट करने को कहा था और बार बार ऑपरेशन होने से मैं एंड में ही बाहर पड़ा हूँ। सिर्फ वोटिंग के दिन बाहर पड़ा था घर से और इसलिए मैं बाहर था, यानी पॉलिटिक्स में नहीं, प्रचार में नहीं था। सर, आपको क्या अपेक्षा है पार्टी से? अपेक्षा यही है महाविकास आघाड़ी की सरकार आए। टिकट देने के बारे में देखो, कई जो लोगों ने मांगे हैं, हमारे सत्तर भाई भी इच्छुक है, कई लोग इच्छुक है यहाँ पर। जो पार्टी चाहेगी वो हम सत्तर भाई को मिल दो, हम सत्तर भाई के पीछे खड़े रहेंगे, वही प्रॉब्लम है। समर्थक है म्हणून थोड़ा मार्केट मध्ये आहे आणि एक कोण नव्हतं आमच्याकडे, आजूबाजू उभे राहिले सगळे अशोकराव चव्हाणचे कट्टर समर्थक होते, परंतु आता त्यांनी पक्ष बदललेला आहे आणि म्हणून आम्ही काँग्रेसचा विचारधारा चालणारे आहोत। नाही, असे बोलले जाते सर लोकसभेमध्ये, ज्यांनी काम केलं पार्टीसाठी, ज्यांनी पक्षासाठी काम केलं, ज्यांनी निवडून येण्यासाठी काम केलं त्याला समर्थन करणार आहे ठरेल। मी म्हणून म्हटलं ना, काँग्रेस पक्ष जो निर्णय घेईल, जे पक्षश्रेष्ठी निर्णय घेईल त्याच्यामागे आम्ही उभं राहू। महाविकास आघाडीचं जे कोणी उमेदवार असेल त्यांच्यामागे आम्ही ठामपणे उभं राहू।